In a bid to develop the 9 Maoist affected states of India, Union Road Transport Minister Nitin Gadkari today said that roads need to be built and technologies need to be upgraded. Left wing affected area jo hai 9 state mein hai. 9 state mein Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, MP, Maharashtra, Orissa aur UP. Ye states hai. Aur isme se विशेष रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा यहाँ इसकी तीव्रता ज़्यादा है. इसमें रोड और ब्रिजेस बनाने के लिए हमने फेज वन में जो काम करना था वो टोटल 6000 किलोमीटर का था और उसमें से 6000 करोड़ का काम था. उसमें से करीब 2200 किलोमीटर का काम अभी रहा है, वो हम लोग पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. वहाँ कठिनाइयाँ है और एक 11000 करोड़ का नए प्रस्ताव जो है जो हम सेकंड फेज में डालना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को इसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रिज बनाना है तो 2 साल ब्रिज का काम वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति में नहीं कर सकते. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ हम प्री कास्ट प्री फेब्रिकेटेड ब्रिजेस बनाएँ, रोड बनाते समय सॉइल स्टेबिलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करें. तो हम आने वाले इसी महीने में पार्लियामेंट के इसमें हम लोग आदरणीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में ये विशेष रूप से जो माओइस्ट और लेफ्ट विंग ग्रस्त एरिया है इन राज्यों के लिए रोड सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें इसका एक वर्कशॉप ले रहे हैं. पावर्ड बाय NNIS.